আর দশটি আর আদ মিলালে আচ্ছা ঠিক ঠিক হম করবা দে হম আপনার হাতে দেখ ঠিক হম করবা দে लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान वैशाली जिले के पदमौल गांव जाकर जहरीली शराब से हुई मौत के शिकार हुए लोगों के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने इस क्रम में मृत परिवार के अलावा ग्रामीणों से भी इस घटना के बाबत विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान, संगठन मंत्री संजय सिंह, प्रदेश प्रवक्ता अशरफ अंसारी एवं अजय कुशवाहा तथा प्रदेश महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शोभा सिन्हा पासवान समेत पार्टी के कई अन्य नेता उपस्थित थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर रहे थे तो वहां का माहौल काफी गमगीन था। आंखों में आंसू लिए पीड़ितों ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाते हुए उनसे इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। चिराग ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने हेतु हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इसके बाद श्री चिराग के नेतृत्व में पार्टी के सभी नेता मुजफ्फरपुर स्थित श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद अपनी आंखों की रोशनी गंवाने और आंख निकालने की घटना में प्रभावित मरीजों तथा उनके परिजनों से मुलाकात की। श्री पासवान ने मरीजों के चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी लेने के साथ ही उनसे पूरे मामले के बारे में भी जानकारी ली। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी यात्रा के क्रम में पार्टी नेताओं के साथ मुजफ्फरपुर जिले के नजीरपुर गांव भी गए, जहां वे बोचहा के दिवंगत विधायक स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के घर जाकर उनके शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की एवं स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। थैंक यू सो मच स्पीकर सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सर, जैसा कि दिए गए उत्तर में स्पष्ट है कि पिछले एक वर्ष में महिलाओं के अपराध के मामले में कमी आई है और माननीय मंत्री महोदया खुद हमेशा महिला अधिकारों की सशक्त पैरोकार रही हैं, पर सर कमी वाले आंकड़े भी अपने में ये गवाही देते हैं कि अभी भी राज्य के स्तर पर नीति और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कई कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि संविधान की 7वीं सूची सर कानून और पुलिस को राज्य अधिकार क्षेत्र में देती है, लेकिन अगर सर किसी राज्य का प्रशासन तंत्र के द्वारा ही कानून की अवहेलना हो तो जनप्रतिनिधि के तौर पर चुप नहीं रहा जा सकता। सर, मैं इस सदन का ध्यान मेरे गृह राज्य बिहार की राजधानी पटना में घटी एक घटना की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, जहाँ शराबबंदी कानून के तहत विवाह समारोह में शराब की बोतल खोजने के नाम पर पुलिसकर्मी दुल्हन के कमरे में चले गए और वहां, जबकि उस वक्त सर ये कहना जरूरी है कि उस वक्त पुलिसकर्मी के साथ कोई महिला पुलिस, सर एक मिनट सर, संवेदनशील विषय है सर, एक दुल्हन के कमरे में पुलिसकर्मी चले जाते हैं बिना महिला पुलिस के रहते हुए। इसीलिए सर मैं बस इतना चाहूंगा कि क्या केंद्र सरकार कोई ऐसी एडवाइजरी या यहाँ से कोई ऐसा निर्देश दे सकती है कि भविष्य में कम से कम ऐसी घटना ना घटे कि पुलिस के कमरे में बिना महिला पुलिसकर्मी के कोई पुलिस। सर, जिनको कानून का संरक्षण करना है अगर वही उसकी अवहेलना करने लग जाए तो आम जनता कहाँ जाएगी। कानून से जो अपेक्षा माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय अपेक्षा कर रहे हैं वो ऑलरेडी कानून में इंगित है। PPRND के माध्यम से सेंसिटाइजेशन महिला और महिला पीड़िता के संदर्भ में ऐसा प्रावधान हम निर्भय फंड के अंतर्गत कर चुके हैं, लेकिन जब पुलिस पर आक्षेप लगता है तो ये भी सदन में कहना उचित होगा कि देश भर में 35 राज्यों में जो महिला हेल्पलाइन चलती है उसमें पुलिस कर्मियों ने लगभग 55 लाख महिलाओं का संरक्षण करा, उनकी सहायता की। देश भर में 700 से ज़्यादा वन स्टॉप सेंटर्स चलते हैं जिसमें 4.5 लाख महिलाओं का संरक्षण, उनकी सेवा और उनको न्याय दिलवाने का काम देश के पुलिस कर्मियों ने किया। हाँ, निश्चित रूप से सेंसिटाइजेशन के काम को आगे बढ़ाना है जिसके लिए हम सतत प्रयासरत हैं।